कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जलियांवाला बाग पहुंचे हैं और जलियांवाला बाग कांड को 100 साल पूरे होने के मौके पर राहुल गांधी यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं अमृतसर के जलियांवाला बाग से, जहां पर उनके साथ सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद हैं। राहुल गांधी जलियांवाला बाग पहुंचे हुए हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप राहुल गांधी को देख सकते हैं। उनके साथ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद हैं। इससे पहले कल वो स्वर्ण मंदिर गए थे, जहां पर उन्होंने मत्था टेका और आज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जलियांवाला बाग पहुंचे हैं, जिसको 100 साल पूरे हो चुके हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू भी नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के साथ और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद हैं और श्रद्धांजलि अर्पित की है राहुल गांधी ने यहां पर जलियांवाला बाग में पहुंचे हुए हैं। इस वक्त 100 साल पूरे हुए हैं जलियांवाला हत्याकांड को, और जिसके चलते राहुल गांधी ने इस कांड में जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधा जलियांवाला बाग से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी इस वक्त मौजूद हैं और उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी। मौन अवस्था में इस वक्त राहुल गांधी खड़े हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं शहीदों को। 100 साल पूरे हो चुके हैं जलियांवाला हत्याकांड। ये तस्वीरें हम आपको सीधा जलियांवाला बाग से दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी मौजूद हैं और इन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और कल स्वर्ण मंदिर गए थे, जहां पर उन्होंने मत्था टेका और आज का ये प्रोग्राम था, क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड को 100 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर राहुल गांधी यहाँ आज पहुंचे हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं और राहुल गांधी के साथ तमाम नेता मौजूद हैं, नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं और कल जब वो अमृतसर स्वर्ण मंदिर गए थे उस दौरान भी कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके साथ मौजूद थे। जलियांवाला हत्याकांड को 100 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर हैं और अमृतसर पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जलियांवाला बाग से, जहां पर इस वक्त राहुल गांधी मौजूद हैं और मौन अवस्था में खड़े हुए हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, फूल चढ़ाए वहां पर। 100 साल पूरे हुए हैं जब यहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिसमें निर्दोष बच्चे, औरतें और जवान बूढ़ों को निशाना बनाया गया था और इस कांड को 100 साल पूरे हो चुके हैं और जिसके चलते राहुल गांधी आज यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। मोहित, हम देख पा रहे हैं कि शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की राहुल गांधी ने, तमाम नेता मौजूद हैं, नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद हैं, सीएम मौजूद हैं, आगे का क्या प्लान है राहुल गांधी का? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये राज्य सरकार और राज्य सरकार के साथ आज केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित किया गया है, जलियांवाला बाग के 100 साल जो हत्याकांड था उसके 100 साल पूरा होने के मौके पर। और राहुल गांधी यहाँ पर करीब आधा घंटा रुकेंगे, वो देर रात ही अमृतसर पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्होंने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका था और अब ये श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल हो रहे हैं। उनके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह है, नवजोत सिंह सिद्धू हैं, पंजाब कैबिनेट के और मिनिस्टर भी हैं, पंजाब की जो कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी वो भी मौजूद हैं। और श्रद्धांजलि देने के बाद ये माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट का वक्त है जो राहुल गांधी यहाँ पर बिताएंगे और उसके बाद वो कर्नाटक में जो उनके आगे जो राजनीतिक कार्यक्रम है उसमें निकल जाएंगे। जी मोहित, क्या ये जो 15 से 20 मिनट यहाँ पर मौजूद हैं, क्या यहाँ पर ये कुछ इनका अलग प्रोग्राम है, क्या ये लोगों को संबोधित कर सकते हैं राहुल गांधी?
देखिए ये जो पूरा कार्यक्रम है ये केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से काफी वक्त पहले ही तय कर लिया गया था कि 100 साल जो पूरे होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के, तो उस दौरान ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ नेताओं को यहाँ पर आकर श्रद्धांजलि देने की परमिशन दी है, उसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरह की कोई राजनीतिक एक्टिविटी करने के लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से मनाई है। इसी वजह से राहुल गांधी सिर्फ श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद वो यहाँ से निकल जाएंगे, और इससे थोड़ी देर बाद करीब 11 बजे के आसपास उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो सरकारी कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होंगे, और वो भी श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम होगा उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी अब से 15 से 20 मिनट के अंतराल में यहाँ से निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बल में मुठभेड़ शुरू हो गई है, वहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। रिफत हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है, रिफत क्या अपडेट है अभी की? देखिए ये शोपियां का एरिया है जहां पे ये एनकाउंटर शुरू हुआ है, ये गहर एरिया है वहां पे जो है ऑर्चर्ड्स हैं, ऑर्चर्ड्स में शायद हाइड आउट था मिलिटेंट्स का, अभी कॉर्डन किया गया और उसके बाद फायरिंग शुरू हुई और बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं। फिलहाल कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है और फायरिंग भी रुक रुक के हो रही है, अभी बाकी डिटेल्स इमर्ज हो जाएंगी, लेकिन इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रिफत आपका। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने 7 नए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस की इस लिस्ट में मध्य प्रदेश की गुना सीट से एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा गया है, वहीं पंजाब के आनंदपुर साहिब से मनीष तिवारी को टिकट दिया गया है, जबकि बिहार के वाल्मीकि नगर से शाश्वत केदार पर पार्टी ने भरोसा किया। जम्मू कश्मीर के लद्दाख सीट से गिरगिजिन सपलवार पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विदिशा से शैलेंद्र पटेल को और राजगढ़ से मोना सुस्तानी को टिकट मिला है, जबकि पंजाब के संगरूर सीट से केवल सिंह ढिल्लन को टिकट दिया गया है। रायपुर पहुंचे कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू ने मैं भी चौकीदार मुहिम के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। सिद्धू वहां पर पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, जहां वो मीडिया के एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर बैठे। अमेरिका मंगल ग्रह पे जाके जिंदगी खोज रहा है, रूस रोबोट आर्मी बना रहा है और भारत चौकीदार बना रहा है, वो भी चोर। नवजोत सिंह सिद्धू के इस हमले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। पहले तो नायक की तरह लोग उनका आदर करते थे, अब वो खलनायक की भूमिका। बिहार के मधेपुरा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शरद यादव अपने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के सवाल पूछने पर नाराज हो गए। शरद यादव मधेपुरा के मुरलीगंज में एक जनसभा को संबोधित कर इलाके में किए गए अपने कामों को गिनवा रहे थे, तभी मंच के किनारे खड़े एक युवक ने शरद यादव को एनएच के उनके एक वादे की याद दिला दी। सिनेमा चौक पर रोड का चर्चा एकदम अच्छी, बस फिर क्या था, शरद यादव गुस्से से तमतमा गए। वही मुरलीगंज रेल लाइन के उद्घाटन के मुद्दे पर शरद यादव ने मधेपुरा सीट से उनको चुनौती दे रहे मौजूदा सांसद पप्पू यादव के लिए अपशब्द बोल दिए। हमने किराया जहाज का ले लिया था, यात्री ले लिया, लेकिन यहाँ वो जो चक्के है उन्होंने उद्घाटन कर लिया। असल में मधेपुरा के पूर्व सांसद रह चुके शरद यादव के लिए इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है, क्योंकि शरद यादव के सामने मौजूदा सांसद पप्पू यादव खड़े हैं। पप्पू यादव 2014 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। इस बार पप्पू यादव अपनी जन अधिकार पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए से जेडीयू उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव भी मैदान में है। शरद यादव ने 2009 में मधेपुरा से चुनाव जीता था। मधेपुरा में तीसरे चरण में 23 अप्रैल को चुनाव होंगे। पंजाब के संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान इस बार लोगों को ये बताकर वोट मांग रहे हैं कि उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। ये दावा उन्होंने एक चिट्ठी में किया, जिस पर विरोधी पार्टियों ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि भगवंत मान ने संगरूर के लोगों को जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने दावा किया कि वो शराब पीना छोड़ चुके हैं, और वो संगरूर के लोगों को ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पार्टी ने एक बार फिर उनको वहां से उम्मीदवार बनाया है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि संगरूर के लोग इस बार भगवंत मान के खिलाफ वोट करेंगे। ये कॉमेडी आया है कि घर घर में ऐसे चिट्ठी बांटे, मैंने शराब छोड़ दी। शिरोमणि अकाली दल ने भी चिट्ठी के बहाने भगवंत मान पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी की जो है 2-2.5 साल की अचीवमेंट ये है, सारी पार्टी ने मिलके, केजरीवाल ने मिलके भगवंत मान की शराब छुड़वा दी। हालांकि आम आदमी पार्टी की दलील है कि भगवंत मान की चिट्ठी को गलत तरीके से पेश किया गया। उसका दावा है कि चिट्ठी में भगवंत मान ने अपनी उपलब्धियों को भी गिनाया है। भगवंत मान को ये दोबारा रिपीट करना पड़ा उस चिट्ठी में
ताकि वो तीनों पार्टियां रल के जो गंदगी फेंकेंगे उसके लिए लोगों को आगाह किया जाए। उत्तर प्रदेश के बांदा में 4 मंजिला इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर शोरूम में देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। खास बात यह रही कि शोरूम मालिक के पालतू कुत्ते की वजह से बिल्डिंग में रह रहे 35 लोगों की जान बच गई। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद पालतू कुत्ता भौंकने लगा, जिससे लोगों को आग लगने का पता चल पाया और सभी लोग समय रहते बिल्डिंग से बाहर निकल गए, लेकिन खुद जंजीर से बंधे होने की वजह से कुत्ते की आग में जलकर मौत हो गई। जिस इमारत में आग लगी थी उसके बेसमेंट और पहली मंजिल पर फर्नीचर की दुकान थी, दूसरी और तीसरी मंजिल पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम और चौथी मंजिल पर एक परिवार रहता था। वहीं आग की वजह से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। बाद में मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। सर ये कुत्ता पहले भौंक रहा था, कुत्ता भौंकने से ही मतलब सब लोग मोहल्ले की जगह, और इसके बाद जब विस्फोट हुआ तो इसके बाद कुत्ते की आवाज मतलब कुल मिला खत्म हो गया। तो क्या कहा जा सकता है कुत्ते की वजह से सभी की जान बच गई? संभवतः नीचे अंडरग्राउंड में प्लाईवुड का सामान रखा था, वहाँ से आग लगना चालू हुई है, फिर ऊपर वार्निश का सामान रखा था तो उसके साथ अचानक से आग बढ़ गई। तो कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए? मकान जो मेन बिल्डिंग थी 4 खंड की शोरूम वाली, वो पूरी गिर गई है, उसमें कुछ भी नहीं बचा है। अगल बगल के दोनों मकानों को नुकसान पहुंचा है। कितनी मंजिला इमारत थी ये? 4 मंजिला इमारत थी। आग पे काबू पाया जा सके? आग पे जो ये बिल्डिंग गिरने की वजह से पीछे का हिस्सा जो गिर गया उसकी वजह से एक रास्ता ब्लॉक हो गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को फेयरवेल पार्टी देने का मामला खूब पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि बीजेपी के सहयोगी अकाली दल ने दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त को फेयरवेल पार्टी दी, जिसके बाद कांग्रेस ने शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी को भी लपेटे में ले लिया। देशभक्ति का नाटक करते हैं और असल में ये आपस में मिले हुए हैं। बीजेपी ने भी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को पार्टी देने के मुद्दे पर अकाली दल की आलोचना कि देश के किसी भी राजनीतिक दल को इन तरह की बातों से परहेज करना चाहिए। वहीं दिल्ली में अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मामले में अपनी ही पार्टी को नसीहत दे डाली। तो पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं जरूर मानता हूं, लेकिन अगर कर रहे हैं तो इसको बहुत बड़ा इशू बनाने की जरूरत। दिल्ली के एक स्कूल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने बच्चों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। 12 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा का जन्मदिन था, जिसे मनाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली के एक स्कूल में बच्चों के बीच पहुंचे और उनके साथ अपने जन्मदिन का केक काटा। इस दौरान बच्चों ने रॉबर्ट वाड्रा को खुद के बनाए बर्थडे कार्ड दिए। बाद में रॉबर्ट वाड्रा के जन्मदिन के मौके पर बच्चों ने डांस भी किया। बच्चों के साथ रॉबर्ट वाड्रा ने खाने के दौरान बातचीत भी की और बाद में उन्होंने बच्चों को अपने जन्मदिन का केक खिलाया। लेकिन इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने खुद बच्चों को अपने हाथों से खाना परोसा। इस मौके पर भी रॉबर्ट वाड्रा सियासी बयान देने से नहीं चूके। पीपल ऑफ अमेठी रायबरेली दे फील वेरी हैप्पी दैट द फैमिली इज विद देम एंड हैव बीन विद देम फॉरएवर। प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल दिए जाने पर राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल से हथियार लूटने के मामले में एनआईए ने पीडीपी के पूर्व विधायक एजाज मीर से पूछताछ की। अमेरिका में सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं को लीक करने के आरोपी और रूस में शरण ले चुके खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व कर्मचारी एडवर्ड स्नोडन ने जूलियन असांज की गिरफ्तारी का विरोध किया। बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव आयोग से टीएमसी की शिकायत की और चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। पुलवामा हमले के बाद बढ़े तनाव की वजह से पाकिस्तान से आई एक बारात 45 दिन बाद राजस्थान के बाड़मेर से दुल्हन लेकर लौटी। महाराष्ट्र के नागपुर में हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पंचकुला हिंसा मामले के आरोपी हनीप्रीत ने अपने खिलाफ चल रही ईडी की जांच पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। खबर है कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हेलीकॉप्टर लैंड करने की जगह नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस रविवार को होने वाली राहुल गांधी की रैली को रद्द कर सकती है। यूपी के आगरा में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी उम्मीदवार प्रीता हरित के समर्थन में एक रोड शो किया। राजस्थान के कोटपुतली में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 लोग घायल हो गए, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की।